दोस्तों किशनगंज जिला के जिया पोखर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक 5 साल पहले दुष्कर्म करता है किसी लड़की के साथ और आज उसका फैसला आ गया है। कोर्ट ने उनको 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही साथ 50,000 रुपए की जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दूं कि किशनगंज जिला के जिया पोखर के निवासी मोहम्मद मुजफ्फर आलम ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था आज से 5 साल पहले। कोर्ट में लगातार केस चलने के बाद लास्ट में कोर्ट का फैसला आ गया है और 10 साल की सजा सुनाई दी गई है। आपको क्या लगता है कि दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा मुनासिब है या फिर और होना चाहिए, यानी कि सजा को और बढ़ाना चाहिए? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ बता रहे हैं। आपको बता दूं कि किशनगंज में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था आज से 5 साल पहले। इस मामले में आरोपी युवक को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कुमार गुंजन ने आरोपी युवक को 10 साल कारावास और 50,000 रुपये की सजा सुनाई है, यानी कि 10 साल का तो जेल काटना ही पड़ेगा और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया है, 50,000 रुपये कोर्ट में जमा करना होगा। यहाँ किशनगंज जिला के जिया पोखर थाना क्षेत्र के राजा गाँव निवासी मोहम्मद मुजफ्फर आलम ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था आज से 5 साल पहले, जब पीड़िता के परिवार वालों की लिखित शिकायत पर जिया पोखर थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मामला 5 साल पुराना है। यह मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह जांच में पीड़िता का आरोप सत्य साबित हुआ, यानी कि 5 साल से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई के तहत आज जाकर के मामला शांत हुआ है। सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सरकारी अधिवक्ता मनीषा शाह ने आरोपी को सख्त से सख्त सजा की अपील की है, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी युवक को 10 साल की सजा सुना दी है। जी हाँ, सरकारी अधिवक्ता मनीषा कुमार शाह ने कहा है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कुमार गुंजन की कोर्ट ने आरोपी युवक मुजफ्फर को 10 साल कारावास और फिर 50,000 रुपये की सजा सुनाई है। जिला प्रशासन को पीड़िता को मुआवजा के रूप में 4 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया है। दोस्तों ये अपडेट बस यहाँ तक, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।